नमस्कार, आर्यभट्ट के दीक्षांत मंडप में ट्राइबल यूथ फेस्ट का आयोजन किया गया है। यहाँ से कोशिश करूँगी कि एक नज़र में विजुअल्स के माध्यम से आपको एक पूरे परिसर को एक बार विजिट करवा दूँ। फिलहाल हम स्टॉल से शुरू करते हैं, आप देखते जाइए मेरे साथ साथ। अभी आप देख रहे होंगे जो ये जहाँ यहाँ जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उसे इस बात को ध्यान में रखकर लगाया गया है कि ये सारी चीज़ ट्राइबल्स से जुड़ी हुई है या आदिवासी परंपरा से सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। अभी आप देखिए जो कपड़े लगे हुए हैं आपको जो दिख रहे होंगे, जो पर्स दिखेंगे वो सारी चीज़ें आपको ये सब तसर कच्चा सिल्क है। ये झारखंडी सिल्क, झारखंड से ही, झारखंड से ही है। यहाँ जितनी भी आपको चीज़ें दिखेंगी वो झारखंड से जुड़ी हुई दिखेंगी, झारखंडी परंपरा। क्या यहाँ झारखंडी क्या है? यहाँ झारखंडी नहीं है, पर ये वेस्टर्न हम लोग ने खुद का ब्रांड स्टार्ट किया है, उसी के थ्रू ये हम लोग बना रहे हैं अपने बैनर। मतलब उद्योग से कह सकते हैं, ये लोग घर में ही इसे कपड़े का निर्माण कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी जो ये परिसर में आप देख रहे हैं, जो चहल पहल देख रहे हैं, युवाओं की चहल पहल है, युवा जो है यहाँ पहुँच रहे, यूथ फेस्ट है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आसपास के जो लोग भी हैं वो लोग भी, लड़कियाँ खास करके स्टॉल्स में ज़्यादा दिख रही होंगी आपको यूथ फेस्ट में। हम लोग फ़िलहाल तो रांची से ही है, जैसे कि हम लोग के पास बहुत सारा सामान है, खासकर विंटर कलेक्शन है। हम लोग लंबा वाला जैकेट अफोर्डेबल प्राइस में बेचते हैं। इसके अलावा हम लोग के पास इयररिंग भी है, क्लचर है, बकेट हैट है, बैग्स है। यूथ प्रमोट कर रहे हैं? हाँ जी हाँ। ये सारी लड़कियाँ जो हैं आई हुई, ये सब रांची की ही हैं और इस फेस्ट में इन्होंने कोशिश की है कि ये स्टॉल लगा सकें, चीज़ों को दिखा सकें। आप देखें यहाँ बाहा क्रिएशन, झारखंड के कल्चर को हम कह रहे हैं कि ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। क्या है स्टॉल? यहाँ पे हम लोग अपना एम्ब्रॉयडरी वर्क और अपना स्टिचिंग वगैरह को हम लोग यहाँ पे शोकेस करने के लिए यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। बेसिकली यहाँ मेरे पास चिकन कुर्तीज़ है, साड़ी डेली यूज़ या फिर कुछ अलग से आपको चाहिए पार्टी वेयर तो वो भी मिल जाएंगे। झारखंडी कल्चर से जुड़ा हुआ कुछ अभी तो फ़िलहाल वो नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं चीज़ें, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने बिजनेस को ये प्रमोट कर सकें। इस स्टॉल में आप अभी देखिए इधर काफ़ी यूथ आपको दिखाई देंगे, सारे यूथ जो हैं यहाँ। आप देखिए क्या है ये? विंटर शॉल है, कश्मीर वाला। हाँ, ये एक शॉल 3 महीना में बनता है, ये खासियत है। ये शॉल जी, ये 3 महीने में बनता है। और क्या बताएं, हमको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन देखने में आप देखिए ये बहुत खूबसूरत है। ये स्टॉल बहुत ही प्यारा लग रहा है और ठंड से काफ़ी सुरक्षा भी, ये प्रोटेक्ट, हाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। और ये इसका खासियत ये है कि ये 3 महीना में बना है और ये बेसिकली कश्मीर में लोग यूज़ करते हैं ये शॉल। हाँ, ये आप इसे ओढ़ कर भी देखेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत है, यूनिक लुक आपको दे रहा है, आप भीड़ से थोड़ी हट कर दिखेंगी। और भी यहाँ फेस्ट की खासियत ये है कि यूथ फेस्ट है और यूथ फेस्ट में सारी लड़कियां ही आपको ज़्यादातर स्टॉल्स में दिखेंगी। यहाँ भी देखिए लड़कियां ही हैं जो स्टॉल्स लगाई हुई हैं, जिन्होंने कुछ खासियत इन कपड़ों की। हाँ, ये मतलब ये हैंडमेड है, ये वाले जो एम्ब्रॉयडरी है ये हैंड से बनाया हुआ है। हाँ, प्राइस ये हम लोग का ये हैंडमेड का ये है, अपने से बनाया जाता है। सही है, ये मेरी दीदी बनाती है, उसका शॉप है। ये घर का खुद का बना हुआ है ये, और ये बहुत ही खूबसूरत सारी चीज़ें, अलग है, यूनिक है। अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें यहाँ दिखा दूँ। क्या स्टॉल है? मोमो का है। हाँ, ये सब ये ट्राइबल वाला। हाँ, पूरे परिसर में जब आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉल्स जो हैं बहुत खूबसूरत हैं, सारे अट्रैक्टिव हैं और सब झारखंड के कल्चर को, झारखंड की परंपरा को दिखाने का प्रयास किया गया है। क्या खासियत है? खासियत है हमारा संस्कृति परंपरा कला को हम एक पेंटिंग के रूप में हम दर्शा रहे हैं। चूँकि हम लोग अभी आधुनिकता में खोते जा रहे हैं और जैसे ये गुंगू है ना, गुंगू ये बरसात से बचने के लिए। अच्छा, आप ये देखिए, ये पेंटिंग देखिए बहुत खूबसूरत है, इसके बारे में आप बताइए। हाँ, तो ये सब चीज़ हमारा परंपरा था, पहले
छाता नहीं हुआ करता था, तो हमारे आदिवासी ट्राइब में चाहे कोई भी हो, झारखंडी कला में नहीं आता है, ये एक बचाता था, बरसात से बचाता था। अब है कि तरह तरह के प्लास्टिक का चीज़ आ गया है, तो उस पर लोग छाता बना के अपना काम कर रहे हैं, गुंगू बना के, लेकिन ये चीज़ अब समाप्त हो गया। पेंटिंग के जरिए? हाँ, पेंटिंग के जरिए, चूँकि आने वाला पीढ़ी भी जाने कि हमारा पूर्वज लोग क्या करते थे, किस तरह से रहते थे, उनका जीवन शैली क्या था, तो हम पेंटिंग के जरिए उसको बचाना भी चाह रहे हैं और अच्छा भी है। क्या बोलते हैं पेंटिंग? ये पेंटिंग ट्राइबल पेंटिंग है। हाँ, ये चीज़ों का इसमें यूज किया गया है, ये है कपड़ा है, कपड़ा में फैब्रिक कलर है, ऑयल कलर है। हाँ। आप एक और पेंटिंग अंदर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ सरना माँ की जो है एक तस्वीर बनाई गई है, बहुत सुंदर है। हमारे झारखंड की परंपरा है, संस्कृति है, हमारे झारखंड की देवी है सरना माँ, उनकी तस्वीर बहुत खूबसूरत। और आगे भी अगर आपको दिखा दें हम स्टॉल्स, आप एक बार मेरे पीछे के नज़ारे को देखिए, यहाँ आपको सिर्फ यूथ दिखाई देंगे, सिर्फ युवा दिखाई देंगे, यूथ फेस्ट है इसलिए आपको दिखेंगे सारे युवा। अभी वहाँ म्यूज़िक की तैयारी की जा रही है, सामने कुछ इवेंट्स होने हैं, सिंगर परफॉर्मेंस देंगे, जो सिंगर्स आएंगे, जो कलाकार आए हुए हैं वो परफॉर्मेंस देंगे, इसलिए तैयारियाँ चल रही है, स्टेज सेटअप लगाया गया है। इधर कलाकार जो हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जो म्यूज़िक सेटअप है उसको रेडी कर दें। इधर साउंड बॉक्स वाले लोग हैं, ये लोग तैयारी कर रहे हैं, और पूरा परिसर जो है वो यूथ से भरा हुआ है। आप देखिए इस वक्त सारे लोग जो हैं ये सारे यूथ हैं, सारे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं इवेंट का, कि जब इवेंट स्टार्ट हो तो वो जोश के साथ, एनर्जी के साथ पूरे प्रोग्राम का जो है आनंद उठा सके। और अभी तैयारी चल ही रही है इवेंट की, आप उस साइड भी देखिए तो स्टॉल्स हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, इवेंट से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग से, इन लोगों से बात करते हैं, क्या है इवेंट, कैसे, कब? देखिए, दो दिन का हम लोग ट्राइबल यूथ फेस्टिवल यहाँ पर आयोजन किए हैं, जिसमें कि जो भी यहाँ का कल्चरल डांस है, अलग अलग ट्राइब्स का सारा कल्चरल डांस होगा यहाँ पर, ट्राइबल फैशन शो है, उसके बाद एक प्ले है, झारखंड का जो करेंट इशूज़ है, प्ले का नाम रखा गया है अबुआ सत्याग्रह, जो काजल मुंडू जी के द्वारा किया जा रहा है, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है। और आप इधर देखिएगा कि बहुत सारा स्टॉल्स लगा हुआ है, जो भी आदिवासी समाज से जो व्यापार के क्षेत्र में आगे आना चाह रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए स्टॉल्स लगाया जा रहा है, जहाँ पर आदिवासी खान पान पहनावा ओढ़ावा से लेकर सारा कुछ यहाँ पर मिल रहा है, दो दिन का यह कार्यक्रम है। तो प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि जो अलग अलग ट्राइब्स है सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, और हम लोग का किस तरह से सामाजिक आर्थिक विकास हो उस पर हम लोग आगे काम कर सके, उसके लिए हम लोग प्लेटफॉर्म हम लोग दिए हैं। कल तक होना? हाँ, ये आज इसका उद्घाटन होगा, कल भी इसका प्रोग्राम होगा, कल रात 10 बजे तक चलेगा, डेली सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। ट्राइबल आपने सेलिब्रिटी को बुलाया हो इस तरह से? आज यहाँ अभी उद्घाटन के लिए पूर्व मंत्री माननीय बंधु तिर्की जी आ रहे हैं, उसके बाद सांसद महुआ मांझी जी, गीता कोड़ा, JSCA के वाइस प्रेसिडेंट अजय नाथ सहदेव जी आ जाएंगे। कल के कार्यक्रम में शिल्पी नेहा तिर्की जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन का हम लोग को अभी तक सूचना मिल रहा है कि लगभग कंफर्मेशन हो गया है, और सुखदेव भगत पूर्व विधायक हैं, और अनेक लोग यहां पर कल का कार्यक्रम में यहां पर शामिल होंगे। शशि पन्ना, ये शशि पन्ना है, इस इवेंट को देख रहे हैं, ये मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। और इधर भी कुछ स्टॉल्स हैं, आपको दिखा दूँ मैं एक नज़र में, आप कोशिश करिए कि अगर नहीं आ सकते हैं स्टॉल्स भ्रमण करने के लिए, आप इस यूथ फेस्ट में नहीं आ पाएँ तो आप यहाँ देख सकें कि क्या है यहाँ, ये देखिए ये क्या है, इन्हीं से पूछेंगे और समझेंगे। लेकिन कुछ थ्रेड वर्क दिख रहा है, मिरर्स हैं, क्या है ये? ये सारा हैंडमेड होम डेकोर और फैशन एसेसरीज है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जितना भी यहाँ पेंडेंट है ये सारा हैंडमेड है, और हम जो रियल फ्लावर होता है, ओरिजिनल फ्लावर, उसको प्रिजर्व करके बनाते हैं। तो उसमें हम सिर्फ पेंडेंट नहीं, ज्वेलरी, फिर जैसे शो पीसेज हो जाते हैं ना, अगर लोगों को किसी ने गिफ्ट किया है, बुके होता है, शादी का वरमाला होता है, लोग उसको प्रिजर्व करके, मतलब अपने साथ हमेशा एक याद रखना चाहते हैं, तो हम उसको प्रिजर्व करके शो पीस हो गया, क्लॉक हो गया, वो जो भी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वो डिज़ाइन करके बनाते हैं। और उसके सिवा वॉल डेकोर हो गया, इस तरह का मिरर हो गया, फिर वॉल हैंगिंग, ये सब हम बनाते हैं। तो ये सारे हैंडमेड चीज़ें हैं जो इन्होंने, एक मिनट बहुत करीब से देखेंगे हम, ये इन्होंने कहा कि जो फ्लावर्स होते हैं उसको ये प्रिजर्व करके रखते हैं और फिर बनाते हैं। यानी आप इसको गौर से देखिए, इसके अंदर ओरिजिनल फ्लावर जो है
वो प्रिजर्व करके रखा गया है, उसको बचा करके रखा गया है और फिर उस पेंडेंट के अंदर डाला गया है। तो बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ देखने मिलेंगी। पूरा परिसर यूथ से भरा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें भी लगाई गई हैं। सभी स्टॉल जो है यहाँ भी इस वक्त आप देख रहे हैं, खाने की चीज़ें लगाई गई हैं। इधर भी जो है फूड स्टॉल्स ही लगाए गए हैं। कहीं कहीं विंटर कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, कहीं कुछ बहुत खास खास चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, ये सारी चीज़ें लड़कियाँ आपको स्टॉल दिखेंगी। क्या है ये बेसिकली क्रोशिया वर्क है, इसे अमीगुरमी भी बोला जाता है। तो हम भोपाल से हैं एक्चुअली, और फिर हम यहाँ पर आप बेचने आए हैं। क्या वर्क बोले? क्रोशिया, क्रोशिया से रिलेटेड। हाँ, अमीगुरमी। हाँ, क्रोशिया से बनता है ये। क्रोशिया हैंडमेड है सारी चीज़ें। क्या प्राइसेस है? ये प्राइसेस रेंज यहाँ से 200 से मिनिमम स्टार्ट है, बेसिकली 150 भी है, 150 से आप 2000 या 3000 तक है ये। आप भोपाल से स्पेशली? हाँ हाँ जी हाँ। आप ट्राइबल? जी, एलियन क्रिकेटर नाम है मेरा। ये सारी ट्राइबल लड़कियाँ आपको स्टॉल में दिखेंगी और सारी बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ों के साथ, बहुत ही खूबसूरत चीज़ों के साथ स्टॉल्स इन्होंने लगाया हुआ है। इधर भी देखिए, आप स्टॉल है, गारमेंट स्टॉल है, विंटर कलेक्शन है, हैंडमेड चीज़ें हैं, डेकोरेटिव एक्सेसरीज हैं, ज्वेलरीज हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं। पूरे परिसर में लगाया गया है, जो शुरू से लेकर अंत तक जो स्टॉल लगाए गए हैं सभी जगह पर हमने देखा बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें अब तक हमने आपको दिखाई हैं। कहीं कहीं पेंटिंग्स भी हैं। थोड़ा अंदर अगर हम जाएँ तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ देखिए, लड़कियों की भीड़ है, ये लोग खड़े हैं, सामान खरीद रहे हैं। क्या है, थोड़ा पूछ लेते हैं, क्यों भीड़ है यहाँ, क्या लगाया आप लोगों ने? ये हमारे इयररिंग्स और बैग का शॉप है, एसेसरीज। ये सारी ज्वेलरीज जो हैं आप देख रहे हैं, जो अभी जो ट्रेंड में है, जो लड़कियाँ ज़्यादा पसंद करती हैं वैसी चीज़ें जो है लगाई गई हैं। इधर आइए, इधर देख लेते हैं क्या है। क्या है ये? इस पर स्टिकर्स है, बैजेस है, नोटबुक्स है। हाँ, ये कैसे यूज होता है, कब? ये स्टिकर टेबल है, वाटरप्रूफ, ये बाइक में, हेलमेट में आप लगा सकते हैं। और ये वाला जो है ये पेपर बेस्ड है, ऐसे बच्चे लोग यूज़ करते हैं, कॉपी किताब में लगा सकते हैं, और नोटबुक्स इस पे बच्चे लोग लिख सकते हैं, इवन स्केचेस बुक्स है जिसपे ड्राइंग्स बनाने के लिए भी है। तो इस शुरू से लेकर अंत तक हम जब यहाँ स्टॉल्स पर घूमे तो आपको एक चीज़ खास दिखाई दी होगी, ये बात कि सभी स्टॉल्स में लड़कियां हैं, लड़कियां लीड कर रही हैं ऐसे यूथ फेस्ट को। आपको हर जगह लड़कियों की भागीदारी दिखेगी, नारी सशक्तिकरण देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे यूथ फेस्ट का जब आयोजन होता है तो जो यूथ होते हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आप को उभार सकें, अपने आप को दिखा सकें। और इस यूथ फेस्ट में चूँकि आज पहला दिन है तो कोशिश करिए कि आप सभी जो है कल यहाँ ज़रूर आ सकें। आज कई नेता मंत्री जो हैं आएंगे और उद्घाटन करेंगे, शाम से है इवेंट होना है, कई कलाकार आए हुए हैं, पूरे राज्य से कलाकार आए हुए हैं, हर प्रमंडल से कलाकारों को बुलाया गया है, सभी परफॉर्मेंस देंगे। शाम में फैशन शो का भी ऑर्गेनाइजेशन होना है, ये सारी चीज़ें होंगी, सभी जरूर आइए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.